वेलकम फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, और आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक छुपे रहते हैं। तो मैं बता दूँ पहले, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। अब तीन से डिवाइड होने वाले कितने नंबर दो डिजिट के नंबर्स हैं? तो पहले तो मैं टू डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है वो चेक कर लेता हूँ। ये स्टार्ट होता है 10 से और करीबन ये ख़त्म होता है 99 से। ठीक है, टू डिजिट के नंबर हमारे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10 एंड लास्ट नंबर हो जाएगा 99। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा। आप देखिए, 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं, और 11 को कर सकते हो, नहीं, 12 को कर सकते हो, राइट, 12 को हम कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और डिविजिबल बाय 3 बोला है तो हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 के बाद 3 के टेबल में 12 के बाद क्या आता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, सबका 3 बन रहा है। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 का टेबल, और मल्टीपल ऑफ 3 बोला जाए तो भी यही रहेगा। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू 12 आ गई है, डी की वैल्यू 3 आ गई है, और आप देख सकते हो 99 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर हमारा जो लास्ट टर्म है या an है वो हो जाएगा 99, राइट। तो अब हम क्या करना है, अभी हमें ढूंढना है इन तीनों की हेल्प से n की वैल्यू कितने नंबर आएंगे, राइट, कितने नंबर हो सकते हैं। n की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मैं यहां से क्लू मिल चुका है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an मेरे पास क्या है, 99 है, a की वैल्यू 12 थी प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 थी। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब इसका आंसर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इसको नीचे लेके जाओगे तो 87 बाय 3 n माइनस 1, 8 प्लस 7 15 होता है, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 2 जा 6, 2 बच रहा है, 2 9 जा 27, एन माइनस 1 29। इस 1 को यहाँ पे लेके आ जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू एन, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान है, सब में कॉमन स्टेप्स आ रहे हैं, और वीडियोस को सारे देखने के बाद ही आपको ये पेन पकड़ना है इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। मिलते हैं पार्ट 13 के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।